तो स्टूडेंट देखो, आज हम क्लास टेंथ के लिए एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं ऐसे ही करा करूँगा क्योंकि आप लोगों को वैसे ही नहीं पढ़ना है और मैं अपना टाइम बेकार कर रहा हूँ, तो मैं फटाक से वीडियो बना करके और आपको डाल दिया करूँगा क्योंकि आपको समझ में आता नहीं है जब मैं कुछ बोलता हूँ। तो अब हम एक्सरसाइज 3.5 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और 3.5 में हमें जो इक्वेशन दी गई हैं, आज डेट है 7/9/20। एक्सरसाइज 3.0 में जो इक्वेशन दी गई हैं वो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। फाइंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड से हमें करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे और उसमें ये भी बताना है, तीन चीज़ें बताना है। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये बताना है हमें, क्या बताना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा मैनी सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन। तो ये इसका होता है अनंत हल, मतलब कोई भी इक्वेशन है उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल से मीन होता है अलग, सबसे अलग हल होगा उसका। मैनी सॉल्यूशन का मीन होता है कई हल। और इनके हम अभी बताऊंगा तुम्हें, इनके ऐसे भी होते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस टाइप से होते हैं, तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा अभी। लेकिन अभी हम केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चर्चा करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए टू लीनियर इक्वेशंस होती हैं a1x, इनसे उनकी कंपैरिजन करनी पड़ती है। a1x + b1y + c1 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि ये ऐसे निकल के आ जाते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस टाइप से ये निकलते हैं। इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब बनते हैं तो इनका इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इनके फॉर्मूले निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, b1/b2 = c1/c2 a1/a2 b1/b2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर इसका इससे होता है और इसका इससे होता है, इसका इससे होता है और इसका इससे होता है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। अब ये होता है हमारा एक्स, पर ये हमारा होता है वाई, पर ये हमारा होता है वन। इससे फॉर्मूले निकलते हैं, फॉर्मूला बनता है b1 c2 - b2 c1, फिर इक्वल, अब वाई वाले में आएंगे तो वाई अपॉन में निकलता है फॉर्मूला c1 a2 c1 या c1 a2 - c2 a1, फिर इक्वल में वन अपॉन में फॉर्मूला निकलता है a1 b2 - a2 b1,
इस टाइप से हमारा ये हमारे अभी जो क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन 3.5 एक्सरसाइज के इस टाइप से सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद ही अपने घर पे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन मेथड मैंने आपको बता रखा है, पर इस क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन के मेथड के द्वारा ये वाला हमारा फॉर्मूला बना है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बताना है क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और आपको वो करना है, देखना है और उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकंड दे रखा है 3x माइनस 3y माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। अब हमने बताया था कि इसकी कंपैरिजन करी जाएगी। कंपैरिजन किससे करेंगे हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1x इससे हम क्या कर लेते हैं, हमें इनकी वैल्यू पता चल जाती है, b1y प्लस c1 a2x, इसे यहाँ कर लें a2x प्लस b2y प्लस c2। तो देखो x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो a1 इक्वल क्या बचेगा हमारे पास 3, b1 इक्वल क्या बचेगा माइनस 3, और c1 इक्वल क्या बचेगा हमारे पास माइनस 3, ठीक है। अब a2 इक्वल क्या बचा हमारे पास, a2 इक्वल क्या बचा 3, सॉरी यहाँ पे a1 इक्वल 1 है ओनली, x x कैंसिल हो जाएगा तो एक बार x का कोफिशियंट 1, तो 1। a2 इक्वल क्या है 3, b2 इक्वल क्या है -9, व c2 इक्वल क्या है हमारे पास -2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन से बताना है, और ये बताना है कि इसके कौन कौन सी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है क्या, या नो सॉल्यूशन है क्या, या मेनी सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो हमें इस टाइप से बताना है। तो समझो हम इसको करते हैं, इसको होता है क्वेश्चन, इसमें एक फंडा होता है a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 होना चाहिए, b1 b2 इक्वल c1 upon c2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन होते हैं, a1 upon a2 के इक्वल b1 upon b2 हो और b1 upon b2 के, तो इस टाइप से हमने a1 b1 c1 c2 b2 a2 इनकी सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम इस टाइप के फॉर्मूले में रख देते हैं, अगर a1 upon a2 b1 upon b2 है लेकिन उस इन दोनों के इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 नहीं है, तो उसके उसका मीन होता है, जैसे कि यहाँ a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 है, एंड a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 है, लेकिन b1 upon b2 डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 है, तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन में आता है वो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन शायद एक ही बात होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको फिर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे क्वेश्चन को रखेंगे। अब इसमें से वैल्यू देखो, a1 upon a2 की वैल्यू कितनी, 1, a1 upon a2 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 upon b2 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू कितनी -9, और c1 upon c2 की वैल्यू कितनी है
माइनस टू माइनस थ्री और इसकी माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस से माइनस कैसे थ्री बन जाती है, थ्री थ्री जाना है। तो देखो ए वन अपॉन ए टू इक्वल क्या है, वन अपॉन थ्री। बी वन अपॉन बी टू क्या है, बी वन अपॉन बी टू क्या है, वन अपॉन थ्री। पर ये सी वन अपॉन सी टू माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये सी वन अपॉन सी टू क्या निकल के आएगा हमारा, थ्री बाई टू। तो यहाँ पे देखो ए वन अपॉन ए टू वन बाई थ्री, बी वन अपॉन बी टू वन बाई थ्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। लेकिन बी वन अपॉन बी टू के इक्वल क्या नहीं है, ना ए वन अपॉन ए टू के इक्वल सी वन अपॉन सी टू है, ना बी वन अपॉन बी टू के इक्वल सी वन अपॉन सी टू है। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो हैज नो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये आपको ऐसे समझ में ना आए तो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक अलग से सॉल्व किया, मतलब इसके पता कैसे चलते हैं, इसके हल है, कोई हल है या नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन को क्या किया, मैंने इस टाइप से सॉल्व किया। तो देखो मैंने x माइनस थ्री बाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, ए टू और थ्री एक्स माइनस नाइन बाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो मैंने ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू से मैंने इसका कंपेरिजन किया। तो मैंने पहले की तरह इनको ए वन बी वन सी टू की वैल्यू रख ली क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड में देखो मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे बना हुआ है, एक बी वन अपॉन बी टू क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन सी वन अपॉन सी टू से किया, सी वन अपॉन सी टू का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन ए वन अपॉन ए टू से किया, ए वन अपॉन ए टू का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बी वन अपॉन बी टू से किया। ठीक है, तो ये मैंने करने के बाद मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई, ए वन बी वन की जो वैल्यू थी इस वाले फॉर्मूले में रखा। अब यहाँ इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद बेटा यहाँ प्लस माइनस जैसी कंडीशन दे गई, एक्स अपॉन मैंने इसको सॉल्व किया एक्स सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन आया इक्वल वाई को सॉल्व किया तो माइनस नाइन प्लस टू आया, अपॉन वन को सॉल्व किया माइनस नाइन प्लस नाइन आया, तो इसको सॉल्व किया एक्स अपन माइनस ट्वेंटी बनाया बाई अपन माइनस सेवन आया इक्वल टू वन अपॉन जीरो आया। अब यहाँ पे देखो वन अपॉन जीरो जब जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत हल या अनेक हल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो एक्स इक्वल निकाल लिया, मैंने वन इसका कॉफिशियंट था मान के चला था, तो एक्स इक्वल वन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई हमने इसमें करा वन अपॉन जीरो में किया, तो इसका वन अपॉन जीरो में ये अनंत है तो ये भी अनंत हो जाएगा, मैं इसका किया तो ये भी इसका करेंगे तो ये भी अनंत पे चला जाएगा, यानी कि इसका हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम क्या पता कर लेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट।